हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीहूस किचन में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। नए और सिंपल रेसिपीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीहूस किचन को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे रेसिपीज़ मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलना। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुरमुरा का बर्न डोसा। आप चाहे तो इसे अप्पम भी बोल सकते हैं, जिसके लिए हमारा मेन और ज़रूरी इंग्रेडिएंट है मुरमुरा। यहाँ पर एक बोल में मैंने 2 कप जितना मुरमुरा लिया है। इसे हमें वॉश करना है 2 से 3 बार। तो इसको हमने पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इस मुरमुरा को एक छन्नी के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे और स्प्रेड कर लेंगे। तो अब ये मुरमुरा सॉफ्ट बन चुका है, क्योंकि वैसे भी हमें इसे पीसना है। आप चाहे तो इसे ड्राई भी पीस सकते हैं, लेकिन वॉश करने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी डस्ट है वो निकल जाता है। तो अब हम एक मिक्सी के जार में इस मुरमुरा को डाल देंगे। 2 कप जितना मुरमुरा हमने लिया था, उसकी क्वांटिटी से आधा कप जितनी सूजी, आधा कप जितना मीठा दही और आधा कप पानी। इन सारे इंग्रेडिएंट को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और इसका स्मूथ सा बैटर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार से है, ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए ताकि ये आधे घंटे के बाद और भी ज़्यादा थिक बन जाएगा। इस स्टेज पर अब हम इसमें मिलाते हैं नमक, करीब 1/2 टेबल स्पून, चाहे तो आप स्वादानुसार भी मिला सकते हैं, और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डालना है। इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर आप चाहे तो 1-2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसे हमें रेस्ट करने छोड़ देना है। कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए आप इसे रेस्ट करने छोड़ दीजिए। अब बना लेते हैं इंस्टेंट सी चटनी इस बर्न डोसा के साथ, जिसके लिए 5 से 6 हरी मिर्ची, 1 कटोरी फ्रेश धनिया, 1 टेबल स्पून दालिया, 1/2 टेबल स्पून नमक, 2-3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, 1 टेबल स्पून दही। इन सारे इंग्रेडिएंट को हमें पीसना है। तो लीजिए, हमारी चटनी तैयार है। अब हम इसके ऊपर चाहे तो तड़का भी डाल सकते हैं। तो मैंने बस इसमें सिंपल सा नमक डाल दिया है। चटनी तैयार है, इसे रखते हैं साइड में। अब देखते हैं हमारा बैटर। बैटर हमारा अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया जालीदार, और ये लाइट वेटेड और फ्लफी बन चुका है। हमने इसमें दही और बेकिंग सोडा डाला था। इसे एक्टिवेट होने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय लगता है, जिस वजह से हमें बैटर को रेस्ट पर छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। अब बना लेते बर्न डोसा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर गैस में एक छोटा सा इसका पैन गर्म कर लिया, उसको थोड़ा सा तेल लगा लिया है। 1 चम्मच जितना बैटर हम इस पैन में डाल देंगे। इसे हल्का सा घुमा लेंगे, ये अपने आप अपना शेप ले लेगा। इसे हमें स्प्रेड वगैरह नहीं करना है, बस एक ही जगह पे बैटर डालते जाना है, जिस तरह से हम अप्पम का डालते हैं। 1 से 2 मिनट लगेगा इसे पकाने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। हम यहाँ पर बर्न डोसा बना रहे हैं, जिसके वजह से मैंने छोटे साइज़ का पैन लिया है। आप चाहे तो बड़े साइज़ का पैन भी ले सकते हैं, लेकिन बर्न डोसा छोटा होता है और हल्का सा मोटा होता है, जिसके वजह से इसकी थिकनेस भी हमने मोटी रखी थी। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जाली आ चुकी है इसके ऊपर। इस स्टेज पर अब हम इस बर्न डोसा को पलट देंगे और दूसरी साइड से पका लेंगे, क्योंकि बर्न डोसा को दोनों साइड से पकाना होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, और इसे पकाने के लिए बस 2 मिनट का समय लगा है। अब हम इस बर्न डोसा को निकाल लेंगे। बहुत ही जालीदार है और सॉफ्ट है। तो इसी प्रकार से हम दूसरा बर्न डोसा भी बना लेते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें तेल की क्वांटिटी बहुत कम लगती है, या फिर आप तेल का इस्तेमाल एक ही बार कर लीजिए, उसके बाद आप तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी आपके बर्न डोसा आसानी से बन जाएंगे, मतलब तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे अगर आप नॉनस्टिक पैन लेते हो तो। तो इसके ऊपर की साइड अच्छे से ड्राई होनी चाहिए, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। इसी मुरमुरा के बैटर से आप इडली भी बना सकते हैं, अप्पम बना सकते हैं, या फिर उत्तपम भी बना सकते हैं। थोड़ा चौड़ा और बड़े साइज़ का पैन इस्तेमाल कीजिए, उस पर आप उत्तपम या अप्पम आसानी से बना सकते हैं। उत्तपम को या फिर अप्पम को एक ही साइड से पकाना होता है, लेकिन बर्न डोसा को दोनों साइड से पकाना होता है, जो साइज़ में छोटा होता है और हल्का सा थिक होता है। तो इसको बढ़िया सा कलर आ चुका है और हमारा बर्न डोसा बन के तैयार है। तो लीजिए, बहुत ही कम समय, कम से कम इंग्रेडिएंट में हमने बढ़िया सा बर्न डोसा बना के तैयार किया है। वो भी बहुत ही बढ़िया, सॉफ्ट है, जालीदार है और खाने में टेस्टी। तो हम इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर साउथ इंडियन जो स्पेशल चटनी होती है ना कोकोनट की, उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हम इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे, जो हमने इंस्टेंट ग्रीन चटनी बना ली थी उसके साथ। और तैयार है हमारा मिनटों में मुरमुरा का बर्न डोसा, या फिर आप इसे मुरमुरा का उत्तपम भी बोल सकते हैं। बस इसे एक ही साइड से पका लीजिए तो आपका बन जाएगा उत्तपम।
तो आपको अगर आज की इंस्टेंट बहुत ही सिंपल सी यम्मी सी और इजी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।